नहीं समझ में आ गए
अम्मल आशूरा। लेकिन ये आशूरा कौन सी सिफत है? ये आशूरा वो सिफत है कि उसके नवासे हुसैन पर गिरियों सभा ना करनी। ये वो बहुत बड़ी फजीलत है कि इससे पेशकर की उम्मतों को ये फजीलत हासिल नहीं है। और इस आशूरा की फजीलत में ये सभी आशूर भी शामिल है जिसमें आप इस वर्ष के अदा पर इस अदा खानी बैठे हुए समाज समाए। क्यों सब आप जानते हैं तकलीफ का निचोड़ रियाजतों का शिकायतों का इबादतों का निचोड़ है तारों पर उन्हें अमृता विशाहिमा ने अम्र कौन खुदा की इतिहास करो रसूल की इतिहास करबला में रसूल नहीं आले रसूल मगर साहिमा ने अम्र सबसे पुरानी है ये साहिमा जिसमें से इतने पहले नाजिल हुए उसमें सिर्फ दो इतिहासों का जिक्र था खुदा की इतिहास करो और रसूल की इतिहास करो ये सिर्फ कहीं तो आखिर कुरान में एक तीसरी इतिहास को जानते हैं। तो खुदा की इतिहास करो रसूल की इतिहास करो और साहिबाने अम्र की इतिहास मैंने बताया कल के साहिबाने अम्र कौन है और उसकी तकदीर सारत माँ अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा बताई नाम लेकर बंदियत के साथ अजमान के साथ कई मौकों एक यहूदी आया दरबार में हमारे सारत माँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसने कहा कि मैं कुछ सवाल आपसे करना चाहता हूँ। आप उसके मुझे लड़ा सूर्य भगवान ने फरमाया मैं तैयार हूँ जवाब देने के लिए लेकिन जो तू सवाल करेगा और उससे मैं जवाब ना दूंगा तो तू कैसे जानेगा कि मेरे जवाब दुरुस्त या दुरुस्त नहीं। उसने कहा हुजूर मैं सवाल आज भी लिख कर लाया हूँ और जवाब भी लिख कर और ये मेरे पास महसूस अच्छा सवाल कर पूछ क्या पूछना चाहता है। उसने कहा आप बताइए आपके पति कितने होंगे सवाल भी पढ़कर उसने बताया जवाब उसके हाथ में सारे नाम ने मनाया बारह कहने बिल्कुल दोस्त इसमें भी बारह ही कहा उनके नाम बताइए कौन होंगे फिर जनाबे साहब महाजी नाम बताने और अपर से आखिर तक बाद में इमाम तक नाम बताए वो अपने बच्चे को देखता और कहकर आप बिल्कुल हर नाम पर उसने इकरार किया कि ये मेरे पास महबूब है और ये मैंने कुतुब तमामी से अपने मजहब की और अपने मजहब के बड़े बड़े राहिबों से और आलिमों से ये सवाल और ये जवाब मजबूत की है। बेशक मैं आपके हाथ पर ईमान लाता हूँ आप खुदा के आखिर पैगंबर ला इलाहा इल्लल्लाह व मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इनकी इजाज का हुक्म दिया गया कि इनकी इजाज और अगर आपस में कोई झगड़ा हो बता दो तो अल्लाह की तरफ और उसके रसूल की तरफ गलत सको अगर तुम ईमान हो यही बेहतर तालीम कई मकाम पर नतीजा क्या है पर दुख नहीं ताकि तुम बना
तो अब जिसकी इताअत आपको करना है उसकी मार्फत हासिल ना हो, तो इताअत कैसे की जाए? खुदा की इताअत करना है अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी मार्फत हासिल। रसूल की इताअत करना है अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी मार्फत हासिल। लेकिन मार्फत मार्फत नहीं करना, ये बात कल रचना तकनी रहेगी, उसको मुकम्मल करना। खुदा की मार्फत भी और रसूल की मार्फत कैसी है दूसरों को जाने दीजिए। आलम इस्लाम ने एक गौरव को खुदा की मार्फत ये हासिल है कि खुदा बन गया है हर शब्द माँ अपना चारों पर एक सवारी पर सवार होकर आसमान चारों पर आता है और वो अपने बंदों को बुलाता है निर्माण लोग उसके पैर बैठा हुआ है नमरूद के टीम पर और फरिश्ते मरहम लगाते और तेल रखता है। ये मुसलमानों की किताबों से पढ़ना कोई अफसाना नाविल या दास्तान नहीं, ये मार्फत है खुदा की। इसीलिए बरसात के कोठों के ऊपर शबे जुमा को घास के गट्ठे रखती है कि अल्लाह की सवारी जो आए और वो भी मच्छर, वो सवारी जो आए तो हमारे कोठे पर अगर नजूर करे तो वो भूखी न थे, वो चारा उसके सदन में हाजिर रहे। ये पूरे एक हफ्ते के लक्ष्य काफी मान था पूरा मंजे पालन के ऊपर ये मार्फत पूरा की। रसूल की मार्फत आप जानते हैं बड़े भाई की तरह काफिल हैं, एलची हैं, पयामबर हैं, पयाम लेके आए थे, पयाम लेके चले गए। अब हम हैं और हमारा अल्लाह है, अल्लाह हूँ, अल्लाह हूँ, अल्लाह हूँ। यहाँ पर अल्लाह को पहचाना रसूल के मुकाबले पर और वहां अल्लाह को नहीं पहचाना। अगर अल्लाह को पहचान लिया होता तो हम ये सिद्धार्थ मान लेते चलिए रसूल ऐसे ही होंगे जैसे कि आप समझते हैं बड़े भाई अल्लाह को तो मानते हैं, मगर मालूम हुआ ना अल्लाह की मार्फत है ना रसूल की मार्फत। अब जब मार्फत ना हो अल्लाह की और रसूल की, बहुत तवज्जो ये तकलीफ बजाती होती है वहां। अल्लाह की मार्फत हासिल ना हो तो तौहीद पर ईमान कैसे, क्योंकि सारी के बाद तो अल्लाह की समझ में आती है, ये तौहीद वाली सिफत जो है सबसे मुश्किल। जब वो सिफात आप नहीं समझे कि वो लामकान है, लामकान है, उसका जिस्म नहीं है, उसका जसद नहीं है, उसके आगा और सवारे नहीं है, जब वो आप न समझे और उसको तस्वीर बना दिया यानी माजल्ला आपका खुदा मजरूम भी होता और वो सब इतना कारी होता है कि नबूत के जमाने से अब तक चलता रहता है। तो तौहीद को कैसे मानेंगे और जब रसूल को बड़े भाई की हैसियत देंगे तो फिर रसूल की जबान पर जो आयातें कुरानी नाजिल हुई हैं उस पर ईमान कैसे होगा? अब ना रसूल पर ईमान न किताबे इलाही पर ईमान, तौहीद पर ईमान गया, रिसालत पर ईमान गया, कुरान पर ईमान गया। अब रही अहादीस, हम साहब अहले कुरान है, हम साहब क्या है अहले हदीस, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो
हम उसके अहल हैं, उसके अहल हैं। बहुत अच्छा। अब कुरान की, अब आई हदीस का हदीस। हदीस मानते हैं, थोड़ा कौन सी हदीस मानते हैं, कौन सी हदीस मानते हैं जो हमारे बाबा के सारी हदीसों को नहीं मानते, तो भी मानते रावी जो है वो आकिल नहीं है। रिवायत बयान करने वाले जो है वो साजिद नहीं है। भाई अल्लाह को आपने आकिल माना है जो रावियों में अदालत करा सकते। जब खुदा को आप आकिल नहीं मानते तो रावी के आकिल होने से क्या असर पड़ेगा? भाई खुदा को आकिल क्यों नहीं मानते? वो तो मुख्तार है, जो कर चाहे करे वो सब कुछ कर सकता है। जरूरी नहीं है वो अदालत करे, वो जुल्म भी कर सकता है। अरे साहब वही कसूर अदालत के उसने बताए और उसको एक साल के लिए मैं खड़ा किया और आप मैंने खुद को वो अदालत की दूसरों को तालीम दे रहा। सारे रसूल उनके आदि थे, सारे आरिफ आदि होते हैं, सारे खुदा रसीला बंदे आदि होते हैं और खुदा आदि नहीं है कि आप उसके इतिहास पर हमला कर रहे हैं। वह हर चीज का मुद्दा कोई है? अरे साहब कहते जी हाँ, हर एक बात का मुद्दा पूरा नहीं है। माफी को वो असर नहीं करता। अब आगे कर सकते माफी को अल्लाह ताला बदल नहीं सकता। अरे भाई माफी को नहीं बदल सकता तो मुस्तकबिल को तो बदल सकता है, हाल को तो बदल सकता है। ये जन्नत और जहन्नम इसलिए अच्छी है, ये फलसफा है दुआ इसलिए माफी को बदलना का किताब माफी को नहीं बदल सकता। इस बात है अल्लाह माफी में और वो बदल दे और लोगों के जहनों से माफ कर दे कि वो वाकई नहीं हुआ। वैसे बहुत से बेखबर लोगों ने वाकई का बड़ा का इनकार कर दिया कि वाकई का बड़ा ही हुआ था। ये सब बात ने अफसाने बयान कर दी। अब आपकी की अदालत पर ईमान लाता है और जब अल्लाह की अदालत पर ईमान ना हो तो खुद अपने मिजाज से अदालत कैसे होगी? और जब अदालत ना हो तो ईमान में पुख्तगी कैसे आएगी? जो असल रूह है ईमान तो अदालत, आप अपने साथ अदालत करें। यही अमान है, यही अफान है, यही किरदार है, यही गुस्सा है, यही रफ्तार है। अदालत को ईमान होता और मैं आपसे अपील करता हूं, पैर बड़ी करीब है थोड़े नाम के सिलसिले जिन्होंने अदालत को प्रयोग किया और अदालत के इलाही को समझाया, किताबें पढ़ते जा लिया। 607 किताबें हैं नेशनल बलागा से लेकर तफसीर इमाम अहमद के। ये कुरान की तफसीरें हैं, ये अहादीस रसूल की तफसीरें हैं। 607 किताबें इसमें कुछ बात है, नेशनल बलागा है, सही सही कर जा दिया है, किताबुल हुकूक है इमाम ज़ैनुल्लाह की जिसका हक दस्त कर लिया गया हो और जिसको जिंदा रहने का हक न किया गया हो उसने किताबे अल हुकूक लिख दी जिसमें इतने हुकूक हैं इंसानों के जो चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स में नहीं। कहा तरीके का चार्ज और कहा यूएनओ का चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स का चार्टर, लेकिन जो हुकूम तरीके का चाहते इंसानों के मुतसद्दी किए हैं वो आज की दुनिया से मिले हुए इज्तिमाई दिमाग भी उन कवानीन का एहसान न कर सके। इसलिए कुरान ने कहा कुल सैन अस्तर ना हो फिर इमाम मुबीन ने फत्र कर दी है। तुम नहीं समझ सकते ये हुकूम क्या है।
और इंसान ही नहीं, मादनियात के हुकूक, पत्थरों के हुकूक, जानवरों के हुकूक, नबातात के हुकूक, दोस्तों के हुकूक, दुश्मनों के हुकूक, साहिबान ईमान के हुकूक, जिंदियों के हुकूक, वो कौन सी ऐसी चीज है जिसके हुकूक इमाम नहरुल आबदीन ने उस जमाने में, जबकि हकीरी ने इतने साल गुजरे और इतनी मुसीबतों में साल गुजरे, मन क्यों पत्थर का यह इंसान पर है कि अगर वो रास्ते में पड़ा हुआ हो तो उसको रास्ते से हटा दे। ये पत्थर का हक इंसान पर ताकि उसको ठोकर न लगे इंसान। अब आप बताइए कि जो इस्लाम पत्थरों के हुकूक को बताता है उस इस्लाम के उन अमर को, उस इस्लाम के नुमाइंदों को करबला के मैदान में किन हुकूक से लागू किया है, इसका अमर नहीं। आपको मालूम है जब चर्चा का दबा में ऐसा भी था जिसके पास तीर न थे, तलवार न थी, खंजर न थे, नेजे न थे, सुधान न थे, बल्कि गोलियों में पत्थर रहे। और जब कोई मुझा के आए मुझा आता था तो चारों तरफ से घेर कर उस प्रश्न भारी कर दी, पत्थरों से रंग दिए। ये है सब हुकूक का दवा और ये है उनका हुकूक का फरोह और हुकूक की तस्वीर। आजकल के जमाने में आपने रसूल दीन की हैसियत जिन चीजों को तस्वीर दिया है, तो ही मैं इसलिए कहा करता हूँ फिर भी सुनने के सामने जुड़ाया जाता हूँ, शुक्र की ये खुदा बन जाता था कि अनमय मासूमी के तुम्हें आप खुदा की मान पर रखते कहा हक कबूल रखते। इसीलिए आपके यहाँ तौहीद के बाद फौरन अदल है और अदल के बाद फिर नबूवत और नबूवत के बाद फिर इमामत और इमामत के बाद फिर कयामत, जबकि आमतौर से तौहीद नबूवत कयामत न अदालत का जिक्र है न इमामत का जिक्र। और आजकल के जमाने में खुदा को मानना बहुत मुश्किल बात, उस जमाने में मानना आसान था, आजकल के जमाने में मानना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये आइमा की हिदायत का तो फैल है कि आपको मार्फत इलाही हासिल और आपको मार्फत रसूल भी हासिल और आपको मार्फत अदालत भी हासिल है और आपको मार्फत इमामत भी हासिल है यानी मार्फत उल अम्र और आपको मार्फत कयामत भी हासिल है। ये सारी चीजें आपको हासिल है जो दूसरों को हासिल नहीं है। मैं ये किसका सत्ता यकीन मानिए करबला वालों का सत्ता जो किसी ताकत से मरूम न हुए और जिन्होंने ये चैलेंज किया कि खुदा है अब्दुल हो के बताते हैं, शहीद हो के बताते हैं, अजीब हो के बताते हैं, गरीब हो के बताते हैं, रुस्वा हो के बताते हैं, दरबदर फिर क्या बताते हैं कि खुदा है फलिंदाही तो बदल सूरे वली मोमनी ना बड़ा सिंह ना सकीना ना यादमून। इज्जत तो रसूल के लिए और मोमिन के लिए है, खुदा के लिए है। लेकिन मुनाफिकीन को ये बात नहीं है, करबला वालों का नारा था। आज आप उनको बता दीजिए 1400 वर्ष के बाद करबला वाले का क्या हुए या कुछ मनाने करवाया, इसलिए बारह खाने के लश्कर में थे 72 ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा फाइनल हजरत अयमन को मिला के। और कितने लश्कर में थे 9,000 ज्यादा से ज्यादा और 30,000 कम अज कम। चलिए इधर के 72 ले लीजिए कम अज कम और उधर के 30,000 ले लीजिए कम अज कम। ये 30,000 नहीं हुए तो लगा दी
मौके नहीं चलेगी। 8,000 की तैदाद ज्यादा से ज्यादा है फौज मराठी की जो चिन्ना लेकर बनाया चला जाए। अगर 30,000 में से 8,000 आप चिन्ना कर दें फिर भी 22,000 जिंदा रहे। ये 22,000 जो करबला में स्पर्श करे थे फौजी अफ्रिया के फौजी यजीदी के शामी कूफी और बहुत ये 22,000 करबला के वाक़े के बाद इनकी आबादी क्या हुई और इनकी औलाद कहाँ गई? इन 22,000 की आज से पूछता हूं किसी तारीख में देखेंगे मुसलमानों की गैर मुस्लिम की देखी 22,000 की औलाद क्या हुई खाली सबके पास सबके का मर गए नदावत में उसने मानी ने जी नहीं हमको कोई इतने से कोई पुष्यमान न करना है जो पुष्यमान हुआ पर इस तरह हुसैन ने और तो भी ये औलाद क्या हुई और फिर आज 1400 बरस गुजर जाने के बाद इन 22,000 की औलाद मंजिल सिलाई होके किस तेजाज में कहाँ कहाँ पहुंची होगी मगर कोई नहीं बताता कि ये अफ्रिया हमारे बाप थे। ये दबला वाले का मोर्चा जिंदा रह गया अपनी आंखों से कोई नहीं बताता कि आबाओ जान में हुमरा था कैरान था हजार था कोई नहीं बताता क्या नहीं होंगे क्या उनकी भी नंबर खुशी होगी और ये 72 करीब हुए मगर आज अलहमदुल्ला मैं बोलते जहान के जिस तबके पर जाता हूँ सादात के तबका तबका दुनिया का नगरी और छलक रहा आज हुकूमत से सादात ये कौन से तादाद हैं जो बन गए एक बीमार सिस्टम पर जिहादे नफ्स करता हुआ इस कदर उसकी औलाद को खुदा रब्बे आलम सराहना करता है कि आज 1400 बरस गुजरने के बाद भी उसकी औलाद मुख्तलिफ ग्रुपों में मौजूद है। इन्ना आते ना कल कर ये कुरान पर हमारा ईमान है ये सूर पर हमारा ईमान है ये इमामत पर हमारा ईमान है ये दरगाह के हर पर हमारा ईमान है। मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये साहिबान है इनकी सभी है आज इनकी मस्जिदें होती हैं इनके तस्करे होते हैं। आपने उस 22,000 के नामों में से किसी नाम की कोई मस्जिद देखी कोई तारीख देखी? यहाँ आज भी हुसैन का गुलाम बनने को जमाना तैयार है आज भी हुसैन का गुलाम बनने को जमाना तैयार है मगर वहां कोई उनको बाप बनाने वाला नजर नहीं आता। इसलिए किरदार ऐसा था अगर उनमें शामिल हो जाएंगे तो गए काम ऐसा हमें था कि नजरों ने इनकार कर दिया हमारी तौर से कि तुम हमारे अमा और तरह में नहीं हो और ऐसा काम था कि नजरों ने इनकार कर लिया कि हम आपकी नजर से तो नहीं है लेकिन आपसे गुलामों की नजर से आपके अथा वो ये है आज दुनिया को क्या जरूरत है तौहीद की माफ कीजिएगा नहीं रिसालत की खत्म हो गई रिसालत जरूरत नहीं जब खुदा की जरूरत नहीं अल की बातें अंकूर रिसालत की जरूरत नहीं तौहीद की जरूरत नहीं है अल्लाह है आगे है मतलब है वो बरकरार और तौहीद मुसलमान और गैर मुसलमान पढ़े लिखे लोग आप गैर लिखे लिखे गैर मुस्लिम किसी मजहब का हो या ना मजहब हो किसी न किसी हैसियत से वो खुदा को तस्लीम करता है और एक ही तस्लीम करता है तस्लीम के दिन गए मानवियत के दिन गए अनवियत के दिन है कोई ऐसी कुदरत चाहे तो वो ब्लाइंड फोर्स है कोई ऐसी ताकत अनमोल पावर है
आप किसी के डायरेक्ट करके देखिए किसी प्राइवेट रिलेशन जो हला का गवाह है पैदा जो कितने चाहे हों उस काल के दायरे में रहते होंगे कि जो ट्रस्ट ये यकीन कर ले कि चांद पर इंसान गया और दायरे इस्लाम पर खाड़ी में अभी अभी चांद का मसला हुआ और बहुत से इस्लाम के रिश्तेदारों ने आलिमों ने ये पर्दा भी लिया कि अगर आपने ये यकीन कर लें कि कुल शख्स चांद पर पहुंचा है तो आप दायरे इस्लाम से खाड़ी हो मुशाहदात का अंका रसूल के जमाने में कोई रसूल चाहिए बात और आज में तौहीद की जरूरत है सब यानी ये नहीं कह सकते कि जरूरत नहीं खुदा को नमाज यानी तौहीद के अकीदे की तकदीर की जरूरत नहीं सब मानते हैं खुदा है कुल का रिसालत की जरूरत नहीं है जरूरत किस बात की है अदालत की जरूरत जरूरत किस बात की है इमामत की जरूरत और कयामत की जरूरत है खुदा डालता है योम दीन कर देखिए ये हमारे अइमा अक्ल और बसीरत और शऊर देखिए कि उसूल दीन में उन दो चीजों को शामिल कर दिया जिनकी जरूरत आज के अक्ल में थी इसलिए हम इनको हमारे जमाना करते हैं और वली उल अमर करते हैं और उल अमर किसी कर्तव्य को लिए अदालत की जरूरत है जी हाँ अदालत की जरूरत है तमाम दुनिया में ना इंसाफियां हो रही हर वजह आदमी में ना इंसाफियां हो रही अदालत की और भाई इमामत यानी त्यागत हरिदा सैको रिजाल अगर प्यादत उसको प्रेरित हुई ये कश्मगत होती है ज्यादा उसको रहनुमाई की जरूरत है यानी इमामत की जरूरत है यानी प्यादत की जरूरत है अब आप पहले किसी तस्वीर से इसको मजबूत किए कि आपकी जिम्मेदारी कितनी ज्यादा है इन मजाजी के मोहरम में मैं आपके राइट्स नहीं बयान करता आपके इश्यूज बयान करता आपके पराये बयान करता हूँ हुकूक नहीं बयान करता हुकूक अमरा आपको आपको खुद मालूम है पहले इंसान हुकूक पर नजर आता है फिर पराये पर नजर आता है लेकिन फलसफे ऐसा एलिमेंट क्या है पहले पराये पर नजर रखो फिर हुकूक पर नजर रखो क्योंकि हुकूक जो है वो पराये का इनाम है हुकूक का इनाम पराये नहीं ये आज कल का इल्म है अगर आप पूरे तरीके से अपने पढ़ाए सब हमी को खुश रहे हैं उनके साथ भी कि उनके साथ कैसे खुश रहे था हमारे लिए आपका भी भाई आप अपने पढ़ाए बता दीजिए वो लोग अपने पढ़ाए नहीं अदा करते खुश रहे आप अपने पढ़ाए नहीं अदा करके खुश रहे अगर आप अपने पढ़ाए अदा करें तो आप उनसे अलग मुंतम क्योंकि दोनों का चोरी लागन में साथ ये है करबला का फलसफा आज हमको अदालत की जरूरत है करबला वालों ने अन्न जीता आज हमको इमामत की जरूरत है बहत्तर मिले लेकिन उनको नजात दे दी दुनिया में भी उनका तस्करा होता है कोई ऐसी मस्जिद जहां हुसैन के साथ गुरु का जिक्र ना होता हो हबीब का जिक्र ना होता हो दूसरी बिजरा सजा का जिक्र ना होता हो बजली का जिक्र ना होता हो भाई जो इनके कदमों से सिड़क है चाहे रसूल हो चाहे पिछड़े हो चाहे बरादर हो चाहे खुदा ने हो जब तक तक पहुंच गए यहाँ इसका तस्करा हमारे लिए राय के साथ और वहां जो उनके मदारिक हैं वो आज जन सभी इस मुद्दे पर खत्म होती है अदालत की जरूरत है इमामत की जरूरत है और आज की अदालत और इमामत सिवाय साहिबान उल अमर के कोई और नहीं कर सकता इसलिए फलसफा है साहिब अमर का उल अमर आज के जमाने में ये शबे आशू आखिरी जुमले आप देने के लिए बताए आप मुतमन्नी है
चले आप सूर के नशाए बढ़वा के आप रात की सवालत से ज्यादा शरीर अगर मैं सुबह तक चले आंसू के हालात वाकया और मुसीबतें बयान करूं तो जवान नहीं। ये वो शरे निचोड़ है तमाम वाकई जगह रखना आईना है अच्छा वो आईना है कुछ नहीं। ये वो शबे आशू लोग आज हमसे सवाल करते हैं शायद आपसे सवाल न करते लेकिन आपका ये मरीजा है कि आप ऐसे सवाल के बरहम न हो आप रसूल के मानने वाले हैं हक के मार्ग पर करते हैं आप अली के मानने वाले हैं हुसैन के मानने वाले हैं इसी सवाल से कभी बरहम न हो समझाने की कोशिश जितना भी वक्त था एक पैर लगा के और दूसरा पैर उसे लगाने जा रहा था ये पूछा उसके बारे में मौला बताइए इस्लाम से कितना बड़ा फल सकता और एक तकीले में उसका जवाब क्या है हजार तकीले नंबर है सलूरी सलूरी कबलान का कुलूरी पैर उठा रकात से नहीं पहुंचा और रुक के जवाब दे दिया ऐसा है इस्लाम के मानी है खुदा की इबादत और खल के खुदा की खिदमत कितना मुकदर जवाब मगर इस्लाम के तमाम लोगों पर मुसलत है। आप घर जाकर सोचिएगा खुदा इस्लाम के मानी खुदा की इबादत और खल के खुदा की खिदमत यही पर सवाल का बड़ा मालूम यही पर सवाल यही पर सबके रसूल यही पर इमाम हुसैन आज सवाल किया जाता है करबला के वापसी से पहले भी जो चीजें होती थी और जो बुराइयां मुआशरे में थी वो करबला के बाद भी होती रही और आज तक वो मुसलमानों में जारी और शादी है। आप कहते हैं कि करबला का वाकया अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर पर एक आखिरी मुरक्का था मगर कहां ऐसा होगा क्या करबला के बाद मुसलमानों ने बुराइयां दस कर दी मुसलमानों से खराबियां दूर हो गई और सब गए इसके लिए कुर्बानी दी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने। ये तो नहीं हुआ था ये तो ये नहीं बताती है करबला वालों का फायदा रसूल के जमाने में ये मालूम नहीं हुआ बहुत तवज्जो रसूल के जमाने में ये मालूम नहीं हुआ कि कौन हक पर है और कौन ना हक अली के जमाने में मालूम नहीं हुआ अली के जमाने में मालूम नहीं हुआ वक्त नहीं है बड़ी तफसील ये बात करती है अगर आप दो जुमलों में सुन लीजिए ये मालूम नहीं हुआ कि कौन हक पर है और कौन ना हक हसन मुस्तफा के जमाने में ये मालूम नहीं हुआ पढ़ते जाके चाहिए कि कौन हक पर है और कौन हक पर नहीं है लेकिन हुसैन के जमाने में ये मालूम हो गया कि कौन हक पर है और कौन हक पर नहीं है। ये करबला वालों का शक करबला वालों ने बताया कि सिराते मुस्तकीम पर कौन लोग हैं और राह दलालत पर कौन कुरान ने अक्सरियत की तारीफ नहीं की है और करबला ने भी अक्सरियत को अपने गले नहीं लगाया। हरी रंग की बात शुरू करने वाले कम होते हैं सिर्फ बात का होते हैं ना उतरे की सलाह। अब इसमें आप उनको न जाने कीजिएगा कि जिसको हुसैन खुद छोड़कर मदीने में आए ये बात कहती है शराबे मुस्तकीम वाला वाहि बहुत ज्यादा थे इन लोगों से कैखाने कूफा भरा हुआ
कैखाने शाम भरा हुआ, कैखाने बकरा भरा हुआ। ऐसा ये न समझिए कि जो करबला में भागकर थे वो भी हक वाले थे। जी नहीं, कूफे में भी मौजूद थे। मुख्तार कहाँ था, मुजैब कहाँ थे और दीगर उनके रुपा कहाँ थे, कैसे थे तंजीरों में चक्कर हुए थे। गला बचता है बिना किए गए थे हाथी बिगड़ बजाए असर की ढेर बदलकर कूफे से चल बना है और न वो भी चादर का दर्जा हाथी नीचे और मदीने में किसको छोड़ा, मदीने मोहम्मद हनफिया को छोड़ा। बस ये नामा लेकर आए थे अब्दुल्ला ने जाबर को छोड़ा अलील और विकास से। ये भी तो बयान था कि जब ये लुटा हुआ काफिला मुद्दत की असीरी के बाद करबला से कूफे और शाम की मंजिलें तय करता हुआ मदीने पहुंचे तो कोई तो ऐसा हो जो सबसे अलाए बैठ गए, खाओ सुबरा हो या उमुल वजीर हो या अब्दुल्ला इब्ने जाबर हो या मोहम्मद हनफिया हो या दीगर बहुत बड़ा जिनको बमतर है कि मान हमने नजर चला मदीने में छोड़ाए थे और बात को मक्के में छोड़ाए थे। मगर मैंने ये सामने कर दिया कि हक पर कौन एक खते फाते हैं कि जो इधर वो हक पर जो उधर ये कोई न कर सका। और का बच्चों रसूल खुदा के जमाने में भी नहीं हो सका, अली के मौलूदा के जमाने में भी नहीं हो सका, हजार मुस्तवा के जमाने में भी नहीं हो सका। लेकिन हुसैन ने ये कारनामा कर दिखाया जब से लेकर आज तक ये बता दिया कि कौन लोग हैं चीजे आते। अब शहजादे अली अकबर हम शक्ल पैगंबर जब मशीने के बाजार पर करते तो दुकानदार अपनी दुकानों से खड़े हो जाते ताकीन के लिए कि शरीर रसूल गुजर इतना मुसाविर से शहजादे अली अकबर। एक शख्स आया मशीने में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास और कहा शहजादे अली अकबर हैं घर में, आपने फरमाया हाँ है। कहा जरा उनको बाहर ले लीजिए। कहा तो क्या बात है, कहा मैंने मन्नत मानी थी कि जब ये मेरी हाजत पूरी हो जाएगी तो मैं रसूल खुदा की ज्यारत कर वो कोई दुनिया में मौजूद नहीं है लेकिन हम सकल पैगंबर आपके साहबजादे अली अकबर हैं। दादा ने उनकी शक्ल देख कर अपनी इस मन्नत को पूरा कि मैंने जैसे रसूल की तरफ से ये शहजादे अली अकबर सुबरा के पास रख था कह दिया है कि बीमार हो आएंगे तुम घूमने। अब चले शहजादे अली अकबर देखिए हुसैन को अपने वालिद से इतनी मोहब्बत थी कि जितने बेटे पैदा हुए सबका नाम अली हुआ और जितनी बेटियां पैदा हुई सबका नाम फातिमा अली अकबर अली कौसर अली अजहर फातिमा कुबरा फातिमा कुबरा। अब अली अकबर जो है वो दरअसल अली अवसर बात करो साथ हैं नाम करबला में जो शहीद हुए उनके सामने बड़े थे पहला वो अली अकबर मशहूर हुए और छोटा शहजादा अली अकबर वरना इमाम हुसैन अलाबदीन का ये नाम था फर्जंदों में अली लोग किसान हुसैन इमाम हुसैन अलाबदीन सबसे बड़े थे। तो अब अली अकबर साथ हैं। अली अकबर रास्ते में बाबा के साथ हैं और देखते जाते हैं जमाने का कहा इंतजार है और लोग किस तरीके से बदल रहे हैं मंदिर का मंजिल चल रहे हैं। एक मंदिर का हुसैन का फासला रुका हुआ सुबह को हजरत अली अकबर आए परेशान दीवार हुसैन की खिदमत और कहा बाबा मैंने रात को एक खाब देखा जब से मैं परेशान एक खाब देखा है जी मेरा परेशान सुबह होते ही मैं आपकी खिदमत में आ गया। अरे बाबा जरा उस खाब की ताकी बुलाए
खाने बजा ध्यान दो, क्या तुमने खाप देखा है इसका इतना असर तुम पर? हाँ बाबा मैंने खाप मिलेगा कि जैसे आप एक पैरा में यको तनहा कर लेते और चारों तरफ से अजीबुल फिरकत जानवरों ने आपको घेरा हुआ है, खैबरनाक जानवर आपको टहार जाने से घेरे हुए और वो आप पर हमला कर रहे हैं अपने निखारों से अपने जुड़ से। बाबा ने देखा कि आपका दाहिना हाथ उन्होंने गंदी कर दिया और उससे खून के पुपारे जारी हुए। फिर मैंने देखा कि वो हाथ से और कई बार है और आपका भाई हाथ ही उन्होंने मजबूर कर दिया और खून आपके भाई हाथ से ला जारी हुआ। तो बाबा फिर तो मैं ले लेता कि आपकी कमर भी उनकी विचारों की सैकों से लगनी और आपकी कमर से खून गया है। अरे बाबा उसके बाद से अकबर को ये भी नहीं है कि इस दश के बना में क्या होने वाला है और ये किसा आप भी देखा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा बेटा आपकी गांधी जाना चाहते हो और मैं तुम्हें रखना चाहते हम किस मंदिर की तरफ जा रहे हैं वहां हमको जानवर नुमा इंसान इस सूरत से मुहासे में मिले और चारों तरफ से वहां देखे। जब तुमने देखा कि ये मेरा छाया आज तक नहीं हुआ तो ये कब होगा जब तुम्हारे भाई कासिम इतने हसन शहीद जाने के साथ तो ऐसा दख लगेगा जैसे मेरा साया हाथ रखनी हो। और जब तुमने ये देखा हाथ से कि मेरी कमर मजबूत हो गई है तो अरे बेटा बेचक होगा जब तुम्हारा चचा आकाश पानी लेने जाएगा और चचा खुराक के किनारे उसको शहीद करने जाएगा तो ऐसा महसूस होगा कि कमर जख्मी हो गई है और ताकत हुसैन की कमर मौजूद। बाबा वो आपने दाहिने हाथ का नहीं बताया जो मैंने देखा कि आपका दाहिना हाथ जख्मी हुआ तो इस मरतबा हुसैन ने मेरे सेवा की तरफ देखा और अली अकबर का हाथ अपने हाथ में लिया तो कहा बेटा आओ मेरा छोटे चेहरा की तरफ करो मैं इसकी दादी की तुमको बताता हूँ कहीं ना ऐसा ना हो देखेगा आओ शेखा की तरफ बढ़े और कैसे से दूर जाकर जाने से जब निश्चय हो रहा हूँ जब तुम नोगे तो तुम्हें ऐसा महसूस करेगा जैसे उसका उदाहरण हाथ करम। ये ख्वाब है शहजादे अली अकबर का रास्ते में अभी ख्वाब के बाद से लड़े ईश्वर सावदास ने दूसरी मोहरम को वाली सरकारी लेकर बनाओगे चले आसूर आई दस मोहरम को शहादतें शुरू हुई चले आसूर रिवायत में है जैसे जैदाद क्षमा रोशन किए हुए रात भर से रात करियर जवान कर देती है अफसोस कि ये खूबसूरत चेहरा ये जवान चेहरा कल खाक में मिल जाए। और ये पर शबे आशूर इंतजार शहादत आराम की नींद सूझे ये सुजात का पालन था। सुबह हुई और लोग जाना शुरू हुए जैसे बाकी के एक रिवायत है जैसा कि मैंने कल आपके अर्ज किया कि सबसे पहले कुर्बानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अली अकबर की लेकिन उलमाए मुखातिब इस अमर में मुत्तफिक हैं कि नहीं आखिर में अली अकबर। मैं उस रिवायत के मुताबिक पढ़ा सकता हूँ। अब अगर अली अकबर
कि जब नौबत आई तो ईमान की खिदमत आए और कहा बाबा अब ये अकबर से कहानी बहुत ज्यादा से नहीं सुने जाते ज्यादा अकबर को जाए दीजिए प्यार के कदमों पर अपनी जान निशान कहा बेटा मैंने तुमको नहीं पाला तुमको सहनत नहीं पाला बहन नहीं पाला तुम जाओ पहले अपनी खुशी से जाने दो मेरी तरफ से तुम मेरी फरमानी हो जाने आए सांझे लगा लगा विचार ले लो क्या तो भी अम्मा अब उसको याद दीजिए कि मैं अनुदान का बेटा ये कभी नहीं हो सकता तुम हम सकते पर जाना और मैं उसको ज्यादा दे दूँ मैं जाना चाहे मैं इजाजत नहीं दूँ बाबा से अपने इजाजत मान लो कहा बाबा ने उसको इजाजत दे दी है और आज की खिदमत नहीं भेजा कहा मैं इजाजत नहीं दी तो कहा बाबा तुम भी अपना इजाजत दीजिए अकबर भाई को लेकर आ गए क्या मामला आप बहन जैनब अब अकबर को इजाजत दे दी मैंने इजाजत दे दी है इजाजत जनाब जैनब ने कहा अच्छा मैं इजाजत नहीं जाओ तू भी मैदान में जाओ अकबर ने सेने का पर्दा उठाया मैदान में जाना चाहा इमाम हुसैन ने पता कर कहा अकबर माँ से इजाजत नहीं कर माँ के बड़े हुकुम बोलते हैं ये तो खुबी से इजाजत मिल गई तुमको बाप से इजाजत मिल गई अब माँ से इजाजत कहा बाबा आप ही मेरे साथ आइए तेरा माँ से भी इजाजत दिला दीजिए कहा नहीं अकबर मैं माँ और बेटे से दरमियान के नहीं आना चाहता मैं जैनब से बीमारी कर सकता हूँ मैं जैनब से बीमारी नहीं कर सकता माँ ने मेरी अकबर से बीमारी नहीं कर सकता तुम खुल जाओ और क्या कर लो चेहरे का पर्दा उठाकर आए मदर गिरानी के खेल देखा पढ़ते ये पांच उम्मीद लगा खड़ी हूँ अकबर का चेहरा देख कर कहा अकबर तुम अभी तक जिंदा हो ये है मेरे शेर साहब की कुर्बानियां जो खानदान में आ गया और कमजान महीना पहले बैठ हो गया तुम्हें लेना भी दूसरे खानदान की थी आपको मालूम है कहा अकबर अभी तक तुम जिंदा हो और हम मोहम्मद चले गए कासिम चले गए दीगर चले गए चौदह और तुम जिंदा जाओ मैंने तुमको क्या कहती वो करता जाओ मैं नाम नहीं चले तो सरकार के कदमों पर क्या विचार करो बस जाओ मैं नाम अकबर चले गए दामन पकड़ के नाम मिल जाए कहा बेटा है बात बात आखिरी बात बात अकबर मैं इस खानदान की नहीं मैं गैर खानदान की देखो बेटा कोई जख्म पुट करना कोई जख्म पुट करना आगे पाए वरना ये लोग कहेंगे ये देखा गैर खानदान की औरत के दूध का आता पुट करने पर भी लग बहादुर की तरह से रहना शेरा ने कभी हाजिर की तरह से रहना सिर के बोलते हो ये ताको ये सुजात के राज्य आने की अली अकबर अली अकबर आए जंग पीछे ये सदा खाने के अपने से आखिरी बच्चे और आज कुर्ता ने तेरी बातना कर रहा हूँ तमाम तरह का मैं के
कहा बाबा पूरा आते करने के लिए सर, मैं तुम्हारे साथ आता हूँ, थोड़ी देर तुमको और दे दूँ, तुम्हारे चेहरे को दे तुम्हारे साथ आज पर घोड़े पर सवार चले मैदान की तरफ और सैन पीछे पीछे आहिस्ता जरा आपने अपनी रफ्तार से तो इमाम हुसैन अली अकबर की सवारी के पीछे दौड़ चलोगे। मैदान करबला में आए जब बेटे ने देखा ये पूरा बाप जो सवेरे लाखों लाते उठा रहा है यहाँ पर रुकता के पीछे आइए कोई, अब मैं इसके आगे आपको नहीं जाने दूंगा। रास्ता जाने बता मैं यही पर रुके जाऊँ, लेकिन बेटा तक मैं तुमको नजर आता हूँ जरा मुड़ मुड़ कर मेरी तरफ देखे अरे अकबर मेरी तरफ देखे रास्ता बाबू अकबर गए जब तक उतरे नजर आते रहे थोड़े पर कहा रहनामों में पैर डाल कर अली अकबर ने मुड़ मुड़ कर हुसैन को देखा खुदा हाथ बना के खुदा हाथ बना के अब मैदान में गए मैदान में लिख गए मैं पूर्व शहादत अपनी सकता चंद शहीदों का नजर थे जो हमको वहां के मिल जाता चंद शहीदों शहजादे काफी का भी हृदय और मोहम्मद का भी हृदय और शहजादे अली अकबर का भी हृदय गर्मिया ने पौधे हाथ किया घोड़े को रोका और काम शुरू होगा रकाबों में तय बदल हुए सुनते और कहा एक पूरी और शांति शर्म नहीं आती कि तुम्हारे जो घोड़े तेरे फेरा नाते ही तेरे फेरा और सवाल रसूल नवाते रसूल इसका गलना पहुंचते और उसके छोटे छोटे बच्चे तीन लोग उसके भूखे पहुंचे जानते हो मैं कौन हूं मेरा नाम है अली ये तहफुर का आलम था और मेरे दादा का नाम भी अली था आज तुम अली के परिवार से चौहान देखो अली अकबर के तलवार के चाहते को ये तय करा अपने वरद को एल लगाई और फौज अश्किया के नर्दे डर आए और अश्किया को बिना करना शुरू वही हाशिम का उसूल था आखिरी सब पर अली अकबर की यह गाइड है कि सेना साथ कर हमला करे सेना ने साथ कर हमला करे बच्चे चले जा रहे हैं बच्चे चले जाते हैं जिसके चले जाते का सर लेकर आऊंगा दुनियादार के चेहरे पर हमला करूंगा ये इस चेहरे हाथी से दिल की आंसू है लेकिन दिल की आंसू भी व्यक्ति आप जानते हैं इतनी तलवारें इतने नए इतनी वृक्षियां के मकाफिल पैरे मकाफिल के गोश हवा में उड़ रही और एक मतलब आप आपकी पुत्र एक शकी ने बच्ची सीने पर खाई उस बच्ची के कब्ज से आप और मुस्तैद हो गए और सवारी से जमीन करबला पर तशरीफ लाए मालिक का बाबा अकेला है चचा बाप नहीं भाई खाते नहीं है अदाब अंकार नहीं है इसलिए ना बात ने पुकारा मदद के लिए मैं अली अकबर का सलाम आके कबूल कीजिए अब हुसैन चले कहाँ हुसैन सब की तरफ जो चले तो मकासिद इसलिए घोड़े पर मगर जब अली अकबर की दास की तरफ चली तो आप पैदल चले ठोकरे खाते आपको मालूम है कि सुबह के वक्त बाघों में हुसैन कितनी ताकत एक मंजर छोटा कर सुनी कि जब और उन्हें माफी चाहिए और माफी मिली
हुसैन की खबरगा तो उसने कहा पहले अपने बेटे को मैं आपके कदमों पर इशार करूंगा। हुसैन ने कहा अच्छा बेटे को भेज दो। फोर ने अपने बेटे अपनी निगाहों के सामने मैदान किताब में लौटाया है, मैं जिंदगी पर खड़े हो गई, ये वो खुद है जो सुबह को आया और हर दर पर खुद गादिश्चार दे रहे हाँ बेटा मैंने पर हमला करो, हाँ बेटा मैं फिर पर हमला करो, बेचारे को घेर लिया, जख्मों से चूर हुआ, खुरों से खुरे से नीचे आ गया। तो उसने आवाज दी, खुद को आवाज दी कि वो बैलन से खड़े हुए नहीं थे, कह बाबा आइए मैं जख्मी हो गया। अब खुद को थे मैदान में हुसैन के जरिए सेना पर, मगर रिवायत ये बताती है कि खुद से पहले हुसैन घोड़े पर सवार होकर पिटारे हुए की लाश पर और वो और पिटारे हुए की मैयत के दरमियान घोड़ा आपने खड़ा कर दिया और कहा खुद ये अच्छा नहीं लगता एक बार अपने बेटे को बेटा कोई चीनी के ऊपर अच्छी भाषा
अली अकबर ने जाकर के आलम ने जवाब दिया, बाबा माँ ने करते करते कहा अकबर मैं गैर कबीले की औरत हूँ, देखो पुरुष पर कोई कब ना आए, इसलिए जब तालीम ने सब सीखा तो मैंने आज अपने सीने पर सब सीखा पानी इधर देखा और उधर देखा, कोई देखा तो मदद करना, कुछ बच्चे खड़े हुए थे इधर सीमा पर आवाज जय बच्चों आओ जरा हुसैन की मदद करो, जरा हुसैन की मदद करो, बल्कि सूरत से अभी अकबर का राजा आया है और शरीफ का राजा इस सूरत से पैदाने के बाद से कर्बला में नहीं आया। एक तरफ बच्चों ने सहारा दी और दूसरी तरफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस सूरत से शहजादे अली अकबर की मार मैदान से कहने में आई, मैं नहीं अर्ज करूंगा कि सामने चेहरा की क्या हालत, क्या हालत हुई, क्या हाल हुआ, उम्मे लैला का क्या हाल हुआ, बीवियों का क्या हाल हुआ, पहले हरम का क्या हाल हुआ, अब बीवियों को यकीन आ गया कि हमारे बेटे जलाए जाएंगे। सबसे बड़ा कर्तव्य ये शहजादा था अली अकबर, इमाम हुसैन का बना देता इस सूरत के, ये भी जब जब शहादत का फायद हो गया अब उम्मे लैला की तलाश शुरू हुई कि उम्मे लैला कहाँ है, सकमत सवाल उम्मे लैला आई हुसैन आए तो पहला सवाल क्या करती है, अरे बाबे मेरे बच्चे में कुछ पर तो कोई कुछ पर तो कोई भाग नहीं लिया, कानून बड़ी बहादराना तौर से अली अकबर लड़े, दोनों हाथ तक आए और पूरी तरह से लड़ दिए, उम्मे लैला की कुर्बानी कबूल हो गई, एक नए खानदान की औरत एक खानदान में आई थी उसके बेटे की कुर्बानी कबूल हो गई। الحمد للہ